जिसमें ला रही स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स की इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है लेट टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स यू एंड वी इन द प्लेन और इन स्पेस हैव द सेम इनिशियल पॉइंट यानी टू वेक्टर्स हैं नॉन जीरो वेक्टर्स हों और चाहे वो प्लेन में है चाहे वो स्पेस में है लेकिन इस तरह से है कि उनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है यानी अगर देखें ये हमारे पास यू वैक्टर है तो वी वैक्टर इस तरह की एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उनका इनिशियल पॉइंट जो है ये एक ही हो सेम इनिशियल पॉइंट द डॉट प्रोडक्ट U एंड V written एज़ u dot v. तो ये जो प्रोडक्ट होगी डॉट प्रोडक्ट हम इसको u डॉट लगा के V इस तरह से represent करेंगे और इसको डिफ़ाइन करेंगे कि u dot v इक्वल होगी magnitude ऑफ u multiply by मैग्नीट्यूड ऑफ v multiply by cos ऑफ़ थीटा यानी जब भी हमने उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी होगी तो यू की मैग्नीट्यूड को वी की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करके आ, साथ में कॉज ऑफ थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी एंड जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू फाइव अब देखें ये जो है हमने थीटा है इसकी लेंथ मल्टीप्लाई करें इसकी लेंथ के साथ और उसको अगेन मल्टीप्लाई करें कॉज ऑफ थीटा के साथ ये जो थीटा है ये यू और वी के दरमियान का एंगल है और ये ज़ीरो और पाई के बिटवीन यानी जीरो और वन एटी के बिटवीन जो है वो होना चाहिए देखें ये और ये वेक्टर है तो ये एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है लेकिन ये वाला एंगल क्योंकि 180 से लेसर है इसलिए ये वाला एंगल हम यूज़ करेंगे ये बड़ा वाला एंगल यूज़ नहीं करेंगे ठीक है इसलिए इसकी जो जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि थीटा इज़ अ एंगल बिटवीन यू एंड वी एंड इज़ ये देखिए थीटा इज़ अ एंगल बिटवीन यू एंड वी एंड ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई यानी हम वो वाला एंगल लेंगे दोनों के बिटवीन जो कि ज़ीरो और पाई के बिटवीन आ रहा हो इस तरह से देखें ये वाला और अगर सपोज इस तरह से आ गया तो फिर हम ये वाला एंगल लेंगे जो कि 180 से या 180 एटी डिग्री या पाई से स्मॉलर वाला एंगल होगा ठीक है ये यू है और ये वी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है बिटवीन दैम लेकिन जब भी हमने लेना है तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम ऐसे नहीं हमने करना कि एक वैक्टर इस तरह से लेके ये ले तो ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे जब भी हमने इनके बिटवीन एंगल लेना होगा इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस, इसकी डायरेक्शन में आगे कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम बन जाए से फिर ये वाला जो एंगल होगा ये वाला हम एंगल लेंगे इन दोनों के बिटवीन तो इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं सेकेंड डेफिनेशन है इफ़ u इक्वल टू ए वन आई प्लस बी वन जे एंड वी इक्वल टू ए टू आई प्लस बी टू जे आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स इन प्लेन यानी ये ए वैक्टर हमें दिया हुआ है ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है इसमें हमें इसके कंपोनेंट्स नहीं थे ठीक है उसमें हम दोनों वैक्टर्स की मैग्नीट्यूड पता हो और दरमियान वाला एंगल जो अगर पता हो उनको तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके तो इनको यू डॉट वी फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अगर हमें वैक्टर जो है कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं आप क्योंकि ये प्लेन में है इसलिए इसका आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट होगा जस्ट ये भी आई और जे कंपोनेंट होगा इसका तो इनके हमने डॉट प्रोडक्ट अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी तो हम वजह इसके कि हम इनकी दोनों की इसकी लेंथ फाइंड आउट करें इसकी लेंथ फाइंड आउट करें दरम्यान में एंगल फाइंड आउट करें और फिर इनकी प्रोडक्ट से हम आंसर निकालें यू डॉट वी का तो हम कंपोनेंट से डायरेक्टली जो है इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वो आई है कि आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे बी कंपोनेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करके इसी तरह से अगर वेक्टर जो है हमारा स्पेस में है तो इसकी जो डेफिनेशन होगी इफ़ यू इक्व टू ए आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के एंड बी इज इक्व टू ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के आर टू नॉन जीरो वैक्टर इन स्पेस यानी कि अब ये देखें है वो ही सारी चीज़ लेकिन उसमें टू कंपोनेंट्स है क्योंकि प्लेन में था जब भी स्पेस में होंगे तो थ्री कंपोनेंट्स होंगे ए वन बी वन और सी वन यू के कंपोनेंट हैं और ए टू बी टू सी टू जो है ये वेक्टर वी के कंपोनेंट्स हैं ये नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए ठीक है यानी ये अगर जीरो वैक्टर है तो फिर इसके सबके ये कोप्शन जीरो होंगे इसके बाद जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह से ए वन कम्पोनेंट को ए टू के साथ यानी एक्स कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा बी के जो इसका सेकेंड कम्पोनेंट है जे का कोफिशेंट वो दूसरे जे के कॉम्फिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो इसका के का कोफिशेंट है वो k के कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इन्हें ऐड कर लेंगे इनके साथ आई जे के नहीं लगेंगे अभी हम इसका भी प्रूफ पढ़ेंगे कि ये जो i डॉट i एक्चुअली आ जाएगा ये भी वन होता है और ये जो j डॉट j है ये भी वन होता है और इसी तरह से जो k डॉट k है वो भी आंसर जो है वो वन आता है वो इसके साथ नहीं आएगा और साथ में इसके बुक में ये नोट एक दिया हुआ है तो ये भी आपने याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट इज़ आल्सो रेफर टू द स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट यानी यही जो हमने अभी पढ़ी है स्केलर डॉट uh, प्रोडक्ट इसी का नाम स्केलर प्रोडक्ट है और इसी का नाम डॉट प्रोडक्ट है ठीक है और इसके अलावा इसी को हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं ठीक है डॉट प्रोडक्ट डॉट के साथ हम इसको शो करते हैं जो डॉट प्रोडक्ट होती है और इसका आंसर जब भी हम निकालेंगे एक स्केलर आएगा एक रियल नंबर कोई इस तरह इस टाइप का कोई आएगा आंसर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी आई जे के उनमें नहीं होगा इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं जबकि हम नेक्स्ट जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्योंकि एक वेक्टर आता है इसलिए उस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं तो आपने याद रखना है ठीक है कि ये डॉट प्रोडक्ट कहा जाए या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाए या इनर प्रोडक्ट कहा जाए तो ये एक ही बात है और अगर हमने वेक्टर्स की फॉर्म में आपने फ़ाइंड आउट करना होगा तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे अगर मैग्नीट्यूड और इन एंगल पता होगा हमें तो फिर हम इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे लेकिन अगर हमें जो वेक्टर्स हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए होंगे तो फिर हम इस फॉर्म में जो है वो यू डॉट वी जो है वो फाइंड आउट करेंगे